बिहार में जल्द होगी बारिश। मौसम विभाग ने बताया कब मिलेगी गर्मी से राहत। देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो बिहार में भी कम बारिश से सूखे का संकट गहराने लगा है। हालांकि 16 जुलाई के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान राहत देने वाला है। उत्तरी ओडिशा पर एक कम दबाव वाला क्षेत्र बना हुआ है, साथ ही उत्तर प्रायद्वीपीय भारत में एक पूर्वी पश्चिम ट्रफ रेखा चल रही है। ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनते नहीं देखना चाहते हैं बोरिस जॉनसन, बोले किसी भी सूरत में ना करे सपोर्ट। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेस की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक दो राउंड के बाद एक अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन उनकी राह में चुनौतियां भी हैं। एक चुनौती तो बोरिस जॉनसन है जो ऋषि सुनक को बतौर प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते हैं। दिल्ली से चित्रकूट 630 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 7 घंटे में। यूपी को आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सौगात देंगे पीएम मोदी। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जुलाई को इसका लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने के साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि कम खर्च में बने इस एक्सप्रेसवे से सिर्फ बुंदेलखंड के लोगों को ही नहीं बाहरी लोगों को भी फायदा होगा। कोरोना की नई लहर के लिए रहे तैयार WHO के चीफ साइंटिस्ट की चेतावनी। दुनिया में एक बार फिर कोरोना वायरस पैर पसारने लगा है। कुछ महीनों पहले जो स्थिति कंट्रोल में लग रही थी, एक बार फिर मामले भी ज्यादा आ रहे हैं और मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हो गया है। इन बदलते ट्रेंड को समझते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी कर दी है कि नई लहरों के साथ सावधान रहे। लखनऊ के लूलू मॉल में नहीं हुआ सुंदरकांड का पाठ, 4 गिरफ्तार। लखनऊ के लूलू मॉल में नमाज को लेकर शुरू हुआ विवाद थम नहीं रहा है। शुक्रवार देर रात मॉल में धार्मिक कार्य करने पहुंचे 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि लखनऊ में पहले से ही धारा 144 लागू है, इसका उल्लंघन करने पर इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।